भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते सर, मैं सिलीगुड़ी से आया है और मेरा को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और मेरा को उतना पैसा भी नहीं है। आप लोग फ्री से मेरा को काम सिखाया और आशीर्वाद करिए कि मैं अपना रोजी रोटी चला पाऊँ। सर मेरा को बहुत दिक्कत है क्योंकि मैं दूसरे का घर में काम करता है, मेरा को नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार बिस्तर में गिर जाता है। तो मेरा को दो लड़की है, एक को शादी दिया है बहुत मुश्किल से और एक लड़की है वो पढ़ाई करता है। लड़के भी बहुत मेहनत कर रहा है मेरा साथ में और मैं भी मेहनत कर रहा है। लड़की अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं चलाने नहीं सकता है। तो आपको सहारा लेने के लिए मैं इधर आ रहा है बार बार कि आप सहारा करिएगा तो मैं रोजी रोटी चला पाऊंगा। तो यहाँ आने के बाद आपको सहारा मिल जाए? बहुत सहारा मिला सर, मेरा को इतना शांति भी मिला, मन का भी शांति मिला और सहारा तो मिला ही है सर आपसे। मैं सीख के मैं रोजी रोटी चला पाऊँ। अच्छा, कोई आपसे फीस वीस लेते हैं? नहीं सर, अब कुछ भी नहीं लिया। ऊपर से मेरा को खाना आदर सत्कार सब आप किया है, मेरा को इधर से बहुत उपकार किया है मेरा को। और मैं अनपढ़ है तो मेरा बस 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 ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, और भी सपोर्ट करेंगे इनके लिए। मैंने बोला है कि अलग से इनका सपोर्ट होगा। देखिए ये बड़ी बात है कि मेहनत करके महिला होने के नाते ये बड़ी बात है कि ये काम कर रही है, इनका हिम्मत जुटा रही है। मेरा यही कहना है ये प्रोडक्ट आजीवन चलता रहेगा, कभी मतलब बंद नहीं होने वाला है। मरेंगे जब तक मरेंगे जब तक ये चलता। मरने के बाद भी हाथ धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, नहाएंगे धोएंगे सब। मेरा यही कहना है आप ऐसा बिजनेस पे आइए जो आजीवन चलता रहे और आपकी अगली पीढ़ी भी चलाते रहे। तो मेरा यही कहना है पानी से पैसे कमाएंगे। हाँ, पानी से पैसा कमाएंगे, डंडे से भी कमाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं रहता, बस पानी और डंडा का काम है। चलो राधे राधे। बदरपुर से आया। बदरपुर दिल्ली क्या कहना चाहेंगे? युवा है, चमक आ रही है। डिप्लोमा ITI छोड़े, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े। डिप्लोमा ITI को छोड़ के उसमें पैसा नहीं लगाया? जितना उसमें सीखने में पैसा लगा उससे अच्छा डंडे और टब्स पानी से हम बना सकते हैं। तो आपको दो साल लग गए होंगे आराम से। दो साल में भी हरी झंडी लेन सब आए। इतने अच्छे से कोई सिखा भी नहीं पाएगा जितना अच्छा सीख पाए। मैं सर, मैं सांवरमल साहू राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो प्रोडक्ट है एक छोटे बजट में आप बड़ा काम कर सकते हैं। कटे हुए ड्रम से और डंडे से हम पानी से पैसा कमा सकते हैं। ले गए, कल आप आए थे तो डंडा इन्होंने मिलाया था। हाँ, मैंने भी कल डंडा बनाया था। कल डंडा मैंने भी लाया, डंडा से पानी, डंडा से ड्रम में हिलाइए, पानी मिलाइए और पैसा कमाइए और कमवाइए और कमवाइए, दूसरे लोगों को भी रोजगार दीजिए। ये बात करवाते हैं जी हमारे, ये क्या नाम है जी बताओ? माय नेम इज सत्यवीर सिंह। ऐसे ही क्लास में बोलता था, ये पढ़ता था, हम साथ में पढ़ते थे। माय नेम इज सत्यवीर सिंह। हम दोनों साथ ही मित्र हैं, साथ में हमने पढ़ाई की है। इन्होंने अपना ये बिजनेस का क्षेत्र चुना, हमने नौकरी का चुना। तो हम आप नीचे ही हैं और ये आज कहीं से कहीं हैं। तो जब हम बेचते थे गांव-गांव, एक ही गांव के बगल में गांव है, जब गांव-गांव बेचते थे तो ये हमसे मिलते थे कि ये कहते थे का तू पाउडर सोडा बेच रहा है। ये कहते थे। हाँ, ऐसे ही कहते थे, मतलब यकीन नहीं था उस टाइम पर, जानते भी नहीं थे, लेकिन मजाक उड़ाते थे। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या है कि अपना एक ठोस नज़रिया बना लिया, अपना ठोस इरादा बना लिया, तो मेहनत की कड़ी, आज उस मेहनत का फल मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट पे। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। हर संडे के संडे आप देखते हैं इसी तरीके से हम लोग देश भर से लोग यहाँ आते हैं और किस तरीके से पानी से पैसा कमाना सिखाते हैं। आप भी आइए, सब आइए, सबका स्वागत है। बिना मशीन के आप जो है डंडे से और कटे हुए ड्रम से जो है ना पानी से पैसा कमा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट मानता हूं क्योंकि 10 से 5000 के इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा सा मालिक बन जाएं। आपको बताया सरकार कहां तक नौकरी दे है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो छोटे छोटे आइटम है, सारे जो 10 क्लीनिंग के आइटम है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, ये बनाया देखो बहुत शानदार क्वालिटी बनाई है। लिक्विड डिटर्जेंट है, डिशवॉशर, टिपोल, हैंड वॉश, फिनाइल वगैरह सारी चीज़ें बिना मशीन के बनती हैं। अभी इनको फैक्ट्री में लेके चलूँगा, सारी चीज़ वहाँ समझेंगे किस तरीके से बनाते हैं। देश भर से बता रहे सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और संडे के संडे यहाँ पे आते रहिए। 3100 रुपये की फीस होती है जिसमें आपको खाना, नाश्ता, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बुकलेट और 10 प्रोडक्ट की पूरी बारी बारी ट्रेनिंग होती है सुबह 9:30 बजे से और 5 बजे तक। रात में रुकने की व्यवस्था भी रहती है उसी में। सभी से बात करवाना चाहूँगा बारी बारी। काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार बहुत सारे जिलों में काम कर रहा है, आप भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। और जो है आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो पूरे देश स्तर पर हमने जो निकाली थी, लाखों लोगों को हमने प्रमोट किया था कि भाई नौकरी के पीछे मत भागो, अपना खुद का मालिक बनो।
आपने देखा होगा बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया था। आइए बात करवाते हैं बारी बारी। जी मैम, कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकाशा है और मैं लखीमपुर खीरी से आई हूँ। मैम, आपको सुबह ही आई हैं और क्या आप कहेंगी, क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला वैसे हमको यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और काफ़ी यूज़फुल है, तो मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है? महिलाओं के लिए यह है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो घर बैठे अपने आप, जो भी छोटा मोटा अगर कोई यूज़ करना चाहता है, कोई बड़ा भारी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो छोटे स्तर पर भी काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। कुल मिला के खुद का मालिक बन सकती है? बिल्कुल जी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संभावना है। जी जी, बहुत। क्योंकि हर घर में चाहिए, डेली चाहिए, मरेंगे जब तक चाहिए, जिंदा आदमी जा रहता है वहाँ चाहिए, अब तो मंगल पे भी चाहिए, चांद पे पहुँच रहे हैं। मैं सिद्धार्थ शाह, मैं लखीमपुर से आया हूँ, मम्मी के साथ अटेंड कर रहा था आपका ओरिएंटेशन। अच्छा लगा, बहुत सारा नई नई चीज़ें पता चली मुझे जो नहीं पता थी, कितने आसानी से कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और कितने सेम सेम इन्ग्रीडियंट से बनता है और कितने आराम से मार्केटिंग करता है। अच्छा मुझे लगा पूरा आइडिया, और बड़ा एक तरह से इजी नहीं कहूँगा बट हाँ आसान लगा शुरू करना। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जब आदमी नौकरी के पीछे भागता है, पढ़ाई कर रहा है, 4-6 लाख रुपए डिग्री में खर्च कर रहा है, डिप्लोमा मिलने के बाद भी 15-20-30 हज़ार की नौकरी मिलती है, फिर क्या कहना चाहेंगे? यही एक बात है, आपको याद किया था, अपना एक फुल टाइम, अगर आपको इतना मेहनत करना है आप इसको फुल टाइम करके भी अच्छा बना सकते हैं या साइड में करके अच्छा खासा इनकम सोर्स हो सकता है। युवा है इसलिए आपको जो है ना नौकरी के बजाय आपको बिजनेस में आना चाहिए। आपका नाम क्या, क्या कहना चाहेंगे? हरिहर प्रसाद जी, हमें बहुत अच्छा लगा और ये कम पूंजी में जो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पानी से पैसा कमा सकते हैं, और इसे 10 आदमी को रोज़गार मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हमें बहुत खुशी है और हम चाहेंगे कि जो इसको और जो है फैलाएं, यही हमारी वो है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है और सर कहाँ से हैं? सर मेरा नाम राहुल कुमार है, मुरादाबाद से आया हूँ, और यहाँ से जैसे कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है हम लोगों को, यहाँ 15-20 हज़ार की नौकरी से अच्छा तो अपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ अपने ही करो, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आन के, वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे बहुत ज़्यादा। जी, आपका नाम क्या और कहाँ से आया? सर मेरा नाम विजय कुमार है, मैं खोड़ा कॉलोनी से आया हूँ, और मैं यहाँ बहुत नई नई चीज़ें सीखा, जैसे कि यहाँ केमिकल ये सब देखा, बनाना सीखा, हाँ तो यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया गया था, और कम पैसे मतलब ज़्यादा के हम इनकम कर सकते हैं इससे, और अपना बिजनेस ये सब कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया था। एक चीज़ देखता हूँ मैं कि ये भी युवा है, वो भी युवा है, लगभग ज़्यादातर युवा ही हैं, और युवा इस क्षेत्र में आगे आए, क्योंकि देखिए नौकरी के पीछे भागेंगे तो सबको पता है नौकरियाँ तो है नहीं, सरकारी तो है नहीं, सरकार कहाँ से, तो दुनिया भर की जनसंख्या बढ़ रही है, प्राइवेट भी नहीं है, मशीनरी आ गई है, सब खत्म है, अपना खुद का मालिक बनना है, लाखों रुपये कमाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं आना है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिज़नेस खोल के 10 लोगों को रोज़गार दो ताकि देश में रोज़गार ख़त्म हो जाए, और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है जिससे हम 10 लोगों क्या बहुत लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं, तो इसलिए मैं भी सीख गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम चिराग यादव है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और सस्ता प्रोडक्ट है, यहाँ पर आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, सारे हर तरीके के टेंडर पाउडर हम सस्ते कम से कम पैसों में बना सकते हैं। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है और कहाँ से आएगा? साथ में जी, तुम भी अलग बोल दो, ये भी अलग बोल दो। कोई नहीं, अच्छा लगा आके, अच्छी चीज़ सीखने को मिली है और कम पैसे में, और ज़्यादा बिजनेस करने का मतलब काम है ये। जी जी, इसमें मार्केटिंग जितनी कर पाओगे आप उतना ही पैसा कमा पाओगे, स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे, मैं मुंबई से आया, मैं मतलब इस कारण आया क्योंकि कलते हम जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट हम बनाने जाएंगे तो मशीन लेंगे तो मशीन में हमारा लाखों मतलब पैसा इन्वेस्ट होएगा, और हम ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 10,000, 5,000, 20,000 से भी बना सकते हैं, और आज के युवा पीढ़ी ग्रेजुएशन करते हैं, 15वीं बीकॉम करते हैं, और बीकॉम करने के बाद भी हमें एक्सपीरियंस के बिना जॉब मिलता नहीं, इधर उधर भटकते हैं, तो मेरा यही कहना है ये प्रोडक्ट आजीवन चलता रहेगा, कभी मतलब बंद नहीं होने वाला है, मरेंगे जब तक ये चलने के बाद भी हाथ धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, नहाएंगे धोएंगे सब। मेरा यही कहना है, आप ऐसा बिजनेस पे आइए जो
आजीवन चलता रहे और आपकी अगली पीढ़ी भी चलते चलाते रहे, तो मेरा ये कहना है। पानी से पैसा कमाएंगे? हाँ, पानी से पैसा कमाएंगे, डंडे से भी कमाएंगे। इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं रहता, बस पानी और डंडा का काम है। चलो राधे राधे। राधे राधे जी। नाम क्या है सर, कहाँ से आए? पीछे। सर राजस्थान से आया, चित्तौड़ से जी। और आप यहाँ सीखना बहुत अच्छा लगा, और तरीका अच्छा सीखने का जी। और 10,000 में भी मतलब आदमी रोजगार पा सकता कर सकते है। हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा राजस्थान से आ रहे हैं और दिल्ली में तो वीडियो देखते होंगे बहुत सारी? नहीं, यूट्यूब पे देख के आए। हाँ, नहीं, बहुत सारी और भी तो वीडियो आती है, मशीन ले लो और ये ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो उसके जंजले में नहीं पढ़ते हम। यूट्यूब पे देख के आए आपका, और आपने सिखाया अच्छे तरीके से, और दिमाग में भी बैठ गया हमारे। जी जी जी। और 10,000 छोटे मतलब ये धंधा है ना, 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? चित्तौड़ से हैं सब हम, और अच्छा है आपका समझाने का जो तरीका है ना, बहुत बढ़िया है। जी जी जी। और आप दोनों भाइयों का जो व्यवहार है मस्त है एकदम। बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। उनकी रोटी खा गए थे? अलग है, तुम अलग है? नहीं, साथी हैं। तो अलग तुम बोलो, तुम्हारे विचार अलग। हम सहारनपुर से आए थे, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। काम के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानकारी देते हैं, और बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। और तो सब बड़े यहाँ, और तो बाकी बड़े भाई जी कहेंगे बड़े। चलो बड़े भाई, यहाँ सम्मान की बात है। नमस्कार जी। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, सिखाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हम छोटे से पैसा खर्च करके भी अच्छा रोजगार खड़ा कर सकते हैं, और 4 आदमियों को और रोजगार दे सकते हैं, और अपने क्षेत्र में रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और परिवार को रोजगार दे सकते हैं, और को भी दे सकते हैं, टेम्पो वाले को भी रोजगार दे सकते हैं, सबको मिलेगा, को दे सकते हैं, गाड़ी वाले को दे सकते हैं, सबको, सरकार को टैक्स देगा। देखो, सबको मिलेगा जी, जब अपना रोजगार चलेगा तो सबको मिलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, थोड़े पैसे में अच्छा रोजगार चलेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ही छत के नीचे आपको पैकिंग पाउच, ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें दिखाऊंगा मैं आपको, एक ही छत के नीचे पैकिंग पाउच, रॉ मटेरियल, स्टिकर, डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वो हमारी फैक्ट्री है, आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहीं मिलेगा। आ जाओ, बारी बारी और दिखाता हूँ और बात करवाता हूँ आपको। हाँ जी, क्या नाम है और सर कहाँ से आए? जी, मैं बिलासपुर से आया हूँ, रामपुर के पास में। आपके यहाँ मैंने वीडियो देखी थी, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये बिजनेस जो सिखा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ ये रोजगार कर लूँ। पराई मजबूरी से या दूसरे के काम करने से, इससे अपने खुद का मालिक बने, वो बहुत अच्छा है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अलीगढ़ से हूँ जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। मतलब मोस्टली लोगों को आधा टाइम ये सोचने में लग जाता है कि क्या बिजनेस करें क्या करें, और ये बिजनेस वो बिजनेस है जो लाइफ टाइम चलेगा, और जो एक बार इसमें घुस गया समझो फिर वो प्रॉफिट में ही है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए सर, आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम मनीष है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और आपका इस बिज़नेस को लेकर तो कोई कहना ही नहीं है, इसमें तो बिना सोचे समझे अपने जितनी इन्वेस्टमेंट है, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, जो जिस जैसे बने उस हिसाब से कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऐसा है कि मरने वाला नहीं है, तो ना पैसे की दिक्कत है ना किसी चीज़ की दिक्कत है, अपना इजीली बिजनेस कर सकते हैं, और सोचने की जरूरत ही नहीं इस बिजनेस को लेकर कैसा चलेगा नहीं चलेगा खराब। भारत सबसे बड़ी दुकान है, भारत पता है विदेशी कंपनियाँ यहाँ आके अपना विस्तार जमा चुकी हैं और जमा रही हैं। 0.0000% भी अगर जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, ग्राहक ही ग्राहक हैं, आपको छोटी सी जगह भी मिल जाती है ना, तो आप उसमें भी करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि ये डेली चाहिए, हर घर में चाहिए, मरेंगे जब तक चाहिए, इसकी तो पूर्ति है नहीं। और वैसे भी इस देश में अगर सड़ो गधा भी मिल जाए ना, तो वो भी बिक जाए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई जनसंख्या है या बिकने में आसानी। जी मैडम, कहाँ से आई और क्या नाम है? सर नमस्कार, मैं लक्ष्मी आदित्य, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ, और पिछले एक साल से मैं आपको फॉलो कर रही थी, देख रही थी आप पानी से पैसा बनाते हैं लोगों को, ऐसे बेरोजगार मतलब देते हैं और सिखाते हैं ट्रेनिंग। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आ सकूं, पर मैं बहुत टाइम निकाल के आपके पास आई हूं, वो भी एक साल के बाद में। अच्छा, छत्तीसगढ़ से आई हैं, वहां पे वैसे ही डरे रहते हैं, क्योंकि वहां मैं गया हूं, नक्सल क्षेत्र है उस साइड में। सर तो आपको डर नहीं लगा कि कहां जा रही हूं, दिल्ली विल्ली में और अभी नहीं जा रही हूं, कहां गड़बड़ हो जाए? नहीं, डर किस बात की, सीखने आए हैं ना। सीखने तो आए, कहीं कोई आपको लगे मन में कि कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में दुकान काट लेंगे? कोई कुछ नहीं काट सकता, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अब महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बोल दो? छत्तीसगढ़ की महिला के लिए यही बोलूंगी कि यहाँ आके सीखें,
और अपना बेरोजगार जो जिंदगी है उसको स्वरोजगार की ओर ले जाए। जो बोल दो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यहाँ का उनका नारा है छत्तीसगढ़ का। मिलेगा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देशभर से पधारे सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आपको अगर मालिक बनना है, बड़ा मालिक बनना है या छोटे से इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना है तो काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में जरूर आना है। देशभर में इसी तरीके से यहाँ भीड़ होती है, हर संडे होती है। आप भी आइए, कहीं से भी आइए, विदेशी भी आइए। देखो अफगानिस्तान से कुछ दिन पहले आए थे, नेपाल से आए थे, अब सऊदी से आए और एक कंबोडिया से और आ रहे हैं। अगले वीडियो में आएंगे, वो अगले संडे में आएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर कर जरूर कर देना, नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबका एक ही बात रास्ते में रह जाती है, वही चीज़ है भारत माता की, भारत माता की। देश भर में आवाज़ जानी चाहिए। और भैया ऐसी आवाज़ के मारे तो भैया हम तो दुनिया भर के पागल हो रहे हैं, क्योंकि हम देश में यात्रा भी निकाल चुके हैं। तिरंगा झंडा हमारी गाड़ी पर छप रहा है, इसमें हम यहाँ से सोचते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।